आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप कोटक बैंक का डेबिट कार्ड यूज करें तो डेबिट कार्ड अगर यूज करें तो उसका कैसे लिमिट अपग्रेड करेंगे, मतलब लिमिट को कैसे कम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। आज इस वीडियो में जानेंगे, अगर आप डेबिट कार्ड यूज करें तो आप उसका रिवॉर्ड पॉइंट भी आप यहाँ इस वीडियो में बता देंगे कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो कैसे उसका पिन सेट करेंगे आज इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अगर आपका कार्ड लॉस हो घूम जाता है तो कैसे रिपोर्ट करेंगे, मतलब इसमें आज जितने डेबिट कार्ड के फीचर्स हैं सारे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो पर चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कोटक बैंक का मोबाइल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया तो उसको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद ना, जैसे आप लोग जब ओपन करो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, तो उसके बाद आपको अपना एम पिन डाल के लॉगिन करोगे तो कुछ इस टाइप का आइकन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर करना है, ठीक है। जैसे आप ये सेक्शन को ऊपर करते हो, करने के बाद में ना यहाँ पर आपको कार्ड्स नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर लोन आएगा, यहाँ पर कार्ड्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना कार्ड पे देखो, यहाँ पे लिखा है डेबिट कार्ड, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो कुछ इस टाइप का आपको आइकन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे बेनिफिट है, मैं आपको फर्स्ट बताता हूँ। अप्लाई और अपग्रेड डेबिट कार्ड, ठीक है। आपके पास अगर ऑलरेडी कार्ड है तो उसके आप किसी और कार्ड में अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। अपने डेबिट कार्ड पर अपने इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। आप अपने पिन यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां से अपने अकाउंट को स्विच कर सकते हैं। सपोज अगर आपके पास करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है या मल्टीपल्स अकाउंट है तो आप उस अकाउंट को यहां पर स्विच कर सकते हैं, ठीक है। प्लस आप यहां से लिखा है रिपोर्ट लॉस ऑफ कार्ड, ठीक है। अगर आपका कार्ड गुम गया तो आप यहां से रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे लिखा है कार्ड कंट्रोल्स। कार्ड कंट्रोल्स मेन टॉपिक है, तो हम इस पर बात करेंगे आगे, ठीक है। प्लस यहां पे लिखा है कार्ड प्रोटेक्शन प्लान, ठीक है। आप यहां से भी देख सकते हैं, लिखा है यहाँ पे कोटक गिफ्ट कार्ड, ठीक है। किसी को आप गिफ्ट देना चाहते हो तो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोटक ऑफर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप कोटक बैंक का डेबिट कार्ड अगर आप स्पेंड यूज कर रहे हैं तो आप वहाँ पे लिखा है उसका जो रिवॉर्ड पॉइंट होता है वो कैसे चेक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर लिखा है फास्टैग। फास्टैग से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कार्ड से फ्रॉड हुआ है तो आप यहाँ पर उसको डिस्प्यूट कर सकते हैं, मतलब इन्फॉर्म कर सकते हैं बैंक को, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, कार्ड कंट्रोल पे क्लिक करना है। इस टाइप का आपको आइकन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कार्ड कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे पहले अपने कार्ड स्टेटस को चेक कर लेना है, कार्ड स्टेटस आपका इनेबल है या डिसेबल है, ठीक है। तो इसको ना ऑन कर लेना है, यहाँ पे जो लिखा है ना कार्ड कंट्रोल, ठीक है। कार्ड स्टेटस तो इनेबल इसको कर लेना है, ठीक है, तभी आप यूज कर पाओगे, ठीक है। जैसे आप इनेबल कर लेते हो, करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंट्रोल, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे लिखा है डोमेस्टिक, ठीक है। डोमेस्टिक पे क्या करना है, इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद में ये देखो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ई कॉमर्स ऑनलाइन, ठीक है। इसको ये अगर डिसेबल रहेगा तो इसको इनेबल करोगे तभी जाके आप ऑनलाइन स्पेंड कर पाओगे, ठीक है। और ये लिखा है टेकन एक्शन, मतलब ये एटीएम से आप विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद में आपको क्या करना है, लिमिट मैनेज कंट्रोल पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का आपको आइकन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है ई कॉमर्स लिमिट डेली, ठीक है। जो आपको डेली ऑनलाइन का लिमिट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है टेकन लिमिट, मतलब जो एटीएम से आप लिमिट विड्रॉल कर सकते हो वो कितना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए 0-1 लाख लिमिट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल, ठीक है। तो इंटरनेशनल अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए इम्पॉर्टेंट है डोमेस्टिक, ठीक है, और ऑनलाइन। तो हमें क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है ना, आपको एडिट पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे ना ये इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ये जो लाइन है रेड कलर की, ये लाइन को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप 5000 से लेके, ठीक है, 1000 से लेके 1 लाख तक एक दिन में स्पेंड कर सकते हैं, ये RBI का गाइडलाइन है, ठीक है। उससे ज़्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में आप ऐसे ही अपने कार्ड का ना लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, ऐसे रिलेटेड वीडियो पे चैनल पे अपलोड करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और अगर कोई छूट जाता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, उस पर एक अलग सी वीडियो बना दूंगा या आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। और
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।